बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आने से संथाल के माथे पर लगा पिछड़ापन का दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा। देवघर में बाबूलाल मरांडी से बात की है संवाददाता जलाल ने। बाबा नगरी देवघर की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक बाबूलाल मरांडी हैं। सर, एक बड़ी सौगात कही जा रही है झारखंड को, लेकिन मैं मानता हूं कि राष्ट्र को समर्पित ये तमाम योजनाएं होंगी। स्वाभाविक है कि आप संथाल परगना के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए, और झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोस के राज्य जो बिहार का भी कुछ इलाका है वो भी प्रभावित होगा। अब अगर आप देखें, यहाँ से लोगों को अगर दूर जाना होता था हवाई जहाज से तो या तो पटना जाते थे लोग, रांची जाते थे, या फिर कलकत्ता की ओर लोग जाते थे, दुर्गापुर जाना पड़ता। अब हवाई सेवा यहीं देवघर से शुरू हो रही, तो संथाल परगने के लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, उसका लाभ तो मिलेगा ही। साथ ही संथाल पर बाहर जैसे गिरिडीह भी है आपका, इधर जमुई है, बांका है, ये सारे जो नज़दीक का जिला भागलपुर है, तो इन लोगों के लिए बड़ा सुविधा हो जाएगी यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, क्योंकि आप जिस प्रकार से लोगों की आप कामें बढ़ी है, पहले लोग बाहर को क्यों लोग पलायन करते थे बड़े महानगरों के, इसलिए कि उन बड़े महानगरों में सुविधाएं होती थी, आवागमन की सुविधाएं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं थी, शिक्षा की सुविधाएं थी। अब वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, अब एम्स भी यहाँ बन करके तैयार हो गए। पहले इलाज के लोग दिल्ली जाते थे, पूरे क्षेत्र में काफ़ी तैयारी है, और यहाँ के कार्यकर्ता भी गांव-गांव जा रहे हैं, टोली बना करके जा रहे हैं, एक एक घरों से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, निमंत्रण पत्रक लोग बांट रहे हैं सब जगह, घर घर में लोगों को पहुँचा के। भाई, इतना बड़ा देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर आ रहे हैं, उस कार्यक्रम में शामिल हुए, लोगों में उत्साह है, खुशी है, लोग आ रहे हैं। कि जब तक आपको कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, जब तक आप आवागमन की सुविधा आपके नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप हेल्थ है, स्वास्थ्य है, इन सारे ये क्या बोलते हैं सुविधा, शिक्षा, ये सब चीज़ों की आप नहीं बढ़ाएंगे, तो भी देश और समाज और क्षेत्र तरक्की नहीं कर सकता है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि भाई देवघर में संथाल परगना की धरती में हवाई अड्डा भी बन रहा है, एम्स भी बन करके तैयार हो गया, दुमका में मेडिकल कॉलेज भी बन करके, जो संथाल परगना सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, दुमका रेल लाइन से भी जुड़ा, क्योंकि हम दुमका से दो दो बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, और उस समय का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था हमारे दिमाग में कि भाई संथाल परगना के विकास की दरवाज़ा कैसे खोले। अब गंगा नदी पर पुल भी बन रहा है जो बिहार से जुड़ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ जाएगी, बंदरगाह भी बन गया, तो ये आप कह सकते हैं लाइफ लाइन जिसको कहते हैं, और विकास की ये जो दरवाज़ा जिसको बोलते हैं वो आप खुल रहा है। चलिए भाई, महादेव जी की नगरी है, हर हर महादेव। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बाबूलाल मरांडी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, संथाल के विकास से बाबूलाल मरांडी काफ़ी गदगद हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री का संथाल दौरा कई मायने में इतिहास लिखेगा। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।